अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सकीना स्माइल चैनल। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि आज मैं बेसिकली बताने जा रही हूँ अपने बारे में, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर जलालाबाद में क्यों आई और इसके अलावा मैं क्या कर रही हूँ, मेरा फ्यूचर गोल क्या है। मैं आज मतलब अपने बारे में बताने जा रही हूँ क्योंकि आज से पहले मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं उनमें मैंने किसी में भी अपने बारे में नहीं बताया। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपको अपने बारे में ही बताऊँ कि मैं यहाँ पर क्यों आई। तो व्यूअर, सबसे पहले बात आती है कि मैं क्या कर रही हूँ इस वक्त। मैं जलालाबाद आई हूँ, यानी जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो मैंने आप लोगों को दिखाई है अपने पास्ट में, इस यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है और मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ। तो फर्स्ट चीज़ जो आप लोगों को इस वक्त नज़र आ रही होगी कि देखिए, मैंने यहाँ पर एप्रन पहना हुआ है। एप्रन यानी वाइट कोट पहना हुआ है, लैब कोट पहना हुआ है। डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ड यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पर लैब कोट पहना हुआ है, जिससे आप लोग को ये बात वाजिया हो रही होगी, यानी ये लैब कोट है तो यानी कुछ ना कुछ लेबॉर्ट्री के रिलेटेड या फिर हम लोग कह सकते हैं ये मेडिकल के रिलेटेड होगा। तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं कि ये तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ठीक हैं कि मैं डॉक्टर बन रही हूँ। फर्स्ट चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कि अल्लाह ताला ने मुझे ये चांस दिया कि मैं अपना मेडिकल करियर स्टार्ट कर सकूं और MBBS कर सकूं। फर्स्ट चीज़ मैंने अपनी बात ये क्लियर कर दी कि मैं डॉक्टर बन रही हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक अपने नाम के साथ जो है, तो मैं इस वक्त डॉक्टर बन रही हूँ और अभी तक मैंने अपने नाम के साथ ना डॉक्टर सकीना लगाना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। मैं नहीं लगाती फ़िलहाल, इंशाल्लाह फ्यूचर में लगाना ही है, तो अभी तक मैंने नहीं लगाया। अभी फ़िलहाल मैं अपने आप को सकीना ही बुलवाती हूँ। अब पहली चीज़ ये आ गई कि मैं डॉक्टर बनने यहाँ पर आई हूँ जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अब मैंने अपना जो करियर है वो स्टार्ट कर दिया है MBBS के लिहाज से ना। अब मैं यहाँ पर आई हूँ किर्गिस्तान के अंदर और मैं अपना जो है यानी मेडिकल वगैरह कर रही हूँ। अब यहाँ पर चीज़ आती है कि मैंने MBBS के बारे में सोचा कैसे और क्या हुआ था। अब स्टार्ट यहाँ पर आती है कि सबसे पहले हमारी फैमिली के अंदर ही ना, कि मेरी फैमिली ने ऐसा नहीं कहा था कि आप MBBS कर रहे हैं, या मेरी फैमिली इस चीज़ के बारे में नहीं थी कि आप MBBS ही कर रहे हैं, हम आपको कोई और ऑप्शन नहीं देते ये वो। तो यहाँ पर बात सारी आ जाती है कि सबसे पहले मैंने जब MDKit दिया था, तो फर्स्ट जब मैंने पाकिस्तान में दिया था तब मेरा इरादा नहीं था कि मैं MBBS करूँगी। मैं तो MBBS से इतना भागती थी क्योंकि मैं कहती थी क्या हर कोई यही कहता है कि जब मेडिकल में जाओ तो आप MBBS करो। इतना मुझे मतलब होता था कि ना MBBS, मैं इतना भागती थी MBBS से, क्योंकि मैंने जब देखा था हर कोई मतलब हर इंसान हमेशा यही कहता था, दो फील्ड ही रखता था, या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिकल। मैं हमेशा से कहती थी कि मैंने कुछ ना यूनिक करके दिखाना है, मैं हमेशा से ना यही सोचती रहती थी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना MDKit का ऐसे ही फैमिली के लिए अटैम्प्ट दिया, उसके बाद फिर मेरा इरादा ही नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, सिंध में जो यूनिवर्सिटी थी मेहरान यूनिवर्सिटी, मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट दिया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने उस यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट दिया मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट हाई रैंक्ड, यानी उसके अंदर भी मेरा बहुत अच्छी यानी रैंक पे मेरा सिलेक्शन हुआ। जब वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खुश हुई ना। मैं मेहरान यूनिवर्सिटी के अबाउट में आप लोगों को सारा बताऊँगी कि वहाँ पर मेरे साथ कितना अच्छा हुआ था, और वहाँ मुझे मतलब मेहरान यूनिवर्सिटी को जब भी मैं याद करती हूँ मेरे साथ मतलब बहुत मुझे खुशी होती है अंदर से ना। तो वो सीन मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी को क्यों छोड़ा जब मुझे एक अच्छी पोजीशन मिल रही थी वहाँ पर, तो वो भी आप लोगों को बताऊँगी। उसके बाद कुछ रीज़न्स की वजह से मुझे मेहरान यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा। अब जब मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी को छोड़ा, उसके बाद मेरे जो फादर हैं उन्होंने मुझे कहा कि अब आपने क्या करना है। जब मुझे कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आया अपनी लाइफ में, मेरे फादर होते थे वो स्टार्ट से ही उनको पसंद है कि वो बाहर की लाइफ गुजारे ना, तो इन द सेम वे वही मतलब जो होता है ना, कहते हैं पेरेंट बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स पर ही जाते हैं, तो यही आदत मेरे अंदर आई कि मैं हमेशा से मतलब मुझे शौक होता था कि मैं एक बाहर की लाइफ गुजार के देखूँ, मैं बाहर जाऊँ, बाहर पढ़ूँ। तो इस चीज़
इन चीज़ों का ना मुझे बड़ा शौक होता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर पढ़ूँ। फिर जब मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया MBBS के ऊपर, फिर मैंने सर्च वगैरह किया, जब मैंने देखा फिर मुझे किर्गिस्तान मिला। जब मैंने किर्गिस्तान में आई फिर मैंने देखा, और फिर किर्गिस्तान में मैंने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 19 दिसंबर को मैंने यहाँ पर अपना कदम रखा, और फिर अपनी जो है जर्नी जो है MBBS की वो स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं MBBS अपना कंटिन्यू रख रही हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी जो MBBS की, अभी तक मैंने मेरा MBBS का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है और अभी सेकेंड ईयर में हूँ अभी। यानी कुछ काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोग को बतानी है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो रहती हैं जो पेंडिंग में, जो मैं आप लोग को बताऊंगी, जो कि फ्यूचर की चीज़ें हैं। लाइक डेट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेहरान में मेरे साथ हुई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे साथ यहाँ पर जलालाबाद में हुई, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्यूचर में होंगी जो मुझे आप लोग को बताना ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोग को बताऊँगी, और ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ से अर्निंग की, क्या क्या काम किया, वो सारी चीज़ें भी मैं अपनी ज़िंदगी में आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। उससे क्या होगा कि आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आप लोग इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, और फिर फ़ायदा लेके आप लोग आगे जा सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।